ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक विहार फेस 4 के डीएवी पब्लिक स्कूल के बाहर, जहां पर जो पेरेंट्स ने ये आरोप लगाया है स्कूल के ऊपर कि वो इलीगल तरीके से फीस लेते हैं, तो इसी वजह से यहां पर जो पेरेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि पूरा मुद्दा है क्या। तो सर, ये मुद्दा है क्या, प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? मैम देखो, सिंपल सी ये चीज़ है, क्या कहते हैं, अब हमारी जिद हमारी यही है कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ ना, अब जिद हमारी नहीं चलेगी, गैर कानूनी फीस तुम्हारी। सिंपल जी, हमारे पास सारे ऐसे सरकारी सबूत हैं, क्या कहते हैं, ये स्कूल हमारे पे यदि कोई लीगल एक्शन भी लेने की कोशिश करेगा उसको 10 बार सोचेगा। इसका एक एक कागज, A4 साइज़ का एक 25% का हिस्सा भी, क्या कहते हैं, वो भी, क्या कहते हैं, हर कागज़ के ऊपर इसका गैर कानूनी रकम छपी हुई है। मैं फीस की बात नहीं करता, इस स्कूल ने बच्चों की सेफ्टी सुरक्षा के नाम पर भी, क्या कहते हैं, ये काम किया। मेरे पे सारे सरकारी दस्तावेज हैं, खुद बच्चों की सुरक्षा, फीस और आपका बच्चों की हेल्थ, ये सारी चीज़ें हैं। अब बताइए मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं पहले सुरक्षा से शुरू कर दूँ? आइए मैं सबूत दिखाता हूँ आपको। पहली चीज़ आती है इस स्कूल की, मैं सुरक्षा से शुरू करता हूँ, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। पैसा सब धरा जा जाता है जब बच्चे की सुरक्षा के ऊपर बात आ जाती है, जीवन पर बात आ जाती है। इस स्कूल का एक फायर लाइसेंस, क्या कहते हैं, 10 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो जाता है जी। इस स्कूल ने, क्या कहते हैं, वो फायर लाइसेंस, क्या कहते हैं, बिल्कुल रिन्यू नहीं कराया, ठीक है। और ये कब तक रिन्यू नहीं कराया, इसकी मंशा ही नहीं थी, क्योंकि विभाग को, फायर डिपार्टमेंट को भी राजस्व जाता है। ये पैसा बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोगों से ये लेता गया, क्या कहते हैं, पैसा। और जब मैंने इसकी कंप्लेंट करी, क्या कहते हैं, तो इसने आनन फानन के अंदर 21 सितंबर 2023 को ये रिन्यू करा था। और कब का ख़त्म हुआ है, 10 दिसंबर 2021 का, यानी 1 साल 10 महीने के तक, क्या कहते हैं। दूसरा, इसको डिपार्टमेंट, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी, फायर डिपार्टमेंट में साफ साफ लिखा था कि भाई साहब, जो एरिया मैंने आपको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, बच्चों की क्लासेस नहीं चल सकती, वो डेंजरस जोन है, क्या कहते हैं, आप वहाँ पर नहीं एक्टिविटी करते। इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में वहाँ पर छोटे बच्चों की क्लासेस चलवाई, क्या कहते हैं, ये चीज़। अब आप बताइए, तो स्कूल का कौन सा एरिया जो है वो डेंजरस जोन है? सेकंड ब्लॉक है इसका, सेकंड ब्लॉक, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, मैं आपको सारे PDF भेजूंगा, बिल्कुल साफ सुथरे, एक एक फुल स्टॉप भी आपको नजर आएगा, आपको हाईलाइट करने के अंदर। अब बात आती है इस स्कूल की बिल्डिंग सेफ्टी वाली, यानी बिल्डिंग की, ये कहते हैं ना, मजबूती, ये सारी चीज़ है। इस स्कूल की CBSE की एफिलिएशन ख़त्म होती है, क्या कहते हैं, आपकी 31 मार्च 2023 को। अब एफिलिएशन रिन्यू कराने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए इसको? एक तो फायर सर्टिफिकेट चाहिए, बिल्डिंग का रिन्यू सर्टिफिकेट चाहिए, एक हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इन तीनों का इस पर अभाव था। डायरेक्टर एजुकेशन, मैंने कंप्लेंट करी कि भाई आपके यहाँ से जब तक एक सरकार, एक दस्तावेज नहीं लगेगा, तब तक CBSE, क्या कहते हैं, एफिलिएशन इसकी रिन्यू नहीं करेगा। किस अधिकारी ने ऐसा कौन सा कागज़ लगाया कि इसकी एफिलिएशन रिन्यू हुई दोबारा से, क्या कहते हैं? अब वो बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए बिल्डिंग का, इसका सर्टिफिकेट, बिल्डिंग का सर्टिफिकेट इसने खरीदा, क्या कहते हैं, आनंद फानंद में, कैसे, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी फोटोकॉपी है, मैंने वेस्ट पेपरों पे इसलिए निकाला कि मैं नहीं चाहता कि मेरा, हमारा भी पैसा खराब हो, जितने घर में पड़ा था वेस्ट पे ही निकाला। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट इसको रिन्यू करता है, क्या कहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर, बिना किसी नंबर के,
वो कब खरीदा गया 27 अगस्त 2022 को, और ये काउंटर आज की तारीख में मौजूद ही नहीं है, जिसका ये लाइसेंस जो खत्म हो रहा था इशू करने का 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रहा था। अब बताइए फीस दो वजह से रुकेगी, पहली चीज़ तो या तो अभिभावक की आर्थिक स्थिति खराब है या वो देने का उसका मूड ही नहीं है, तो जो कानून इनके लिए बराबर है वही कानून हमारे लिए बराबर है। हम इनका वेलकम करते हैं, हम अभी भी इज्जत करते हैं, सभी टीचरों की करते हैं, हमने कोई कठोर शब्द नहीं बोला कि हमें नोटिस भेजिए इलीगल, यदि हम आपका पैसा नहीं दे रहे फिर हम बताते हैं कि हम गलत हैं या तुम गलत हो। तो आपने ये जो कंप्लेन है ये कहाँ कहाँ पर करी है? ये कंप्लेन हमारी जो जा चुकी है शिक्षा विभाग में जा चुकी है, हमारा पीतमपुर हमारा जो ब्रांच जाती है यहाँ पे इनकी वहीं पे जाती है, हम कर चुके हैं इस चीज़ को। तो वहाँ से आपको क्या रिप्लाई मिला, क्या बोला उन्होंने कि कब आपकी सुनवाई होगी? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, एक्चुअल जो पोजीशन अभी चल रही है। अभी 19 अक्टूबर को क्या कहते हैं स्कूल कुसुम भारद्वाज को एक मेमोरेंडम इशू हो चुका है जितनी मैंने ये कंप्लेंट्स लगाई हैं। ये देखिए कंप्लेंट्स के डायरी नंबर आप अपने डाल लीजिए, लिख लीजिए। ये देखिए सिल्वर जुबली बनाम क्या कहते हैं, इन्होंने कैसे काम करते हैं, ये नाम बदलते हैं किसी हर फंड को, यदि इनको कोई पैसा चाहिए होता है तो ये नाम बदल बदल के पैसा लेते हैं। ये स्टार्टिंग होती है मिस्टर संजीव करनवाल से जो SDM ऑफिस में काम करते हैं, ये कंप्लेंट जाती है 27 मई को 2023 को। फिर उसके बाद एक कंप्लेंट डायरी नंबर जाता है 2603 24 जुलाई 2023 को। फिर एक डायरी नंबर जाता है 3359 19 सितंबर 2023 को। फिर एक डायरी नंबर जाता है 12 अक्टूबर को 3576 को। फिर एक डायरी नंबर जाता है 3732 30 अक्टूबर को। क्या कहते हैं ये 2016 की हमने कंप्लेंट रिव्यू करवाई है दोबारा से, जिस पेरेंट्स को क्या कहते कंप्लेंट को उन्होंने ढप कर दिया था। तो अब आपकी एट लास्ट सुनवाई क्या हुई, आपको प्रिंसिपल ने या जो टीचर्स हैं हमारी अभी दो दिन पहले क्या कहते मीटिंग हुई थी प्रिंसिपल मैडम से, प्रिंसिपल EWS वालों का भी मुद्दा था, EWS वालों को पिछले कई सालों से ना यूनिफॉर्म ड्रेस किसी जो सरकार की तरफ से मिलती है सुविधाएं वो नहीं प्रोवाइड हो रही थी। प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहते इस चीज़ को माना कि हाँ हुई हैं गलतियाँ, तो उन्होंने कहा कि हम प्रिंसिपल मैम ने इस बात से एग्री किया है कि उनसे गलतियाँ हुई, लेकिन रिटर्न में एग्री किया जो वर्बली हुआ है, यदि हमारे यदि इनके वहाँ पर भी कुछ सिस्टम है। EWS वालों को क्या कहते हैं आपने सुविधा नहीं, आपसे इतना पूछा वो मेरी टीचर्स करिए इनको जवाब दो। हाँ पूछिए मेरे से, आप तो अपना जवाब कर रहे हैं, आप तो अपना मीडिया ले रहे हैं, मैं बोल रही हूँ मीडिया के सामने। आप आए हो अपने 5 बंदे लेकर, यहाँ पर टीचर्स आई हैं जो परेशान है। मैम आप कोरोना कवर, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान है, मेरी टीचर्स परेशान है। आप दो जवाब दो, दे आर नॉट डिपॉजिटिंग द फीस, वी आर नॉट गेटिंग एनी सैलरी। तो मतलब इनकी फीस ना मिलने की वजह से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, इनकी सैलरी बहुत इशू आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा, क्या जो हमारे स्टूडेंट है उन्हीं का परिवार है, टीचर्स का परिवार नहीं है? हमें अपना घर नहीं चलाना, हमें सैलरियां नहीं मिल रही है मैम। भाई जब बच्चों का परिवार है, इनका परिवार है, तो परिवार हमारा भी है, हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हम घर कैसे चलाएंगे? और सैलरी जब मिलेगी जब ये लोग फीसें देंगे। बट उनका ये कहना है कि वो इलीगल तरीके से आपको फीस जो है वो पे कर रहे हैं। मैम कुछ इलीगल नहीं है, बट अगर इनको फेवर्स मिल रहे हैं तो इनको उस चीज को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। हम भी इन लोगों के लिए काम करते हैं तो वी डिजर्व द सैलरी जो हमें चाहिए, ऑब्वियसली हमें चाहिए। आपके कितने महीने से सैलरी रुकी हुई है वो हमारा पर्सनल मैटर है, कितने महीने से वो भी इट्स आर मैटर, हमारे स्कूल की बात है, बट वो स्लो है ना, वो रुकी तो हुई है। तभी तो इतने सामने मीडिया के सामने बोल रहे हैं हमारी सैलरी नहीं आ रही है, हम इसीलिए तो हम भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर यही लोग सैलरी नहीं देंगे तो हम कैसे अपना ऑब्वियसली इट्स अ टू एंड फ्रो ना, हम इनके बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा बेटर एजुकेशन देते हैं, व्हाट आर दे डूइंग, दिस इज नॉट राइट। And even if being injured we are in the school, it means we are giving 100%. But isn't that their duty that even after the lockdown they have not paid the fees for past 1 year and still the child is in the class. Agar 6 mahine se bacche ki fees nahi aayi hai wo school mein hai. Did the teachers send the child that you are not going to come to class? Ya usko bahar khada kiya? No. Because that is against the rules. And when we are teaching the children, we are giving 100%, it is their duty that they have to pay the fee on time. और कभी ये problem नहीं आई है, आज ये आ रही है, किसने आ रही है? We all the staff 80 or 90 plus we are staff not getting full salary because of them. Still the more than 1 crore is pending by from the parent side. You can see the money is not there. How come the principal can distribute the thing? एंड सब चीज़ फैसिलिटीज़ EWS के ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है, हम लोग एक दिन नॉर्म से चल रहे हैं, 25% केजरीवाल ने कहा है उसके अकॉर्डिंग ही सब फॉलो कर रहे हैं, A to Z वी हैव अ डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग वी हैव, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। इन लोगों के पहले पीछे से पॉल्यूशन होता है, हवा चलती है, कोई ना कोई कुछ कहता रहता है, सब बातें बनाने वाली बातें होती हैं। और भी पेरेंट्स हैं इतने, देखिए यहाँ अगर 100 परिवार खड़े हैं और 50 हमारे 4th क्लास है, उनकी फैमिली है कैसे चलेगी, ये भी सोचिए ना, उनके बच्चे नहीं हैं, वी डोंट हैव।
तो आप में से EWS वाले कौन है, क्योंकि इनका कहना तो ये है कि EWS वालों को उनकी फैसिलिटीज मिल रही है। EWS वालों का क्या कहते हैं, क्या EWS वाले नहीं, सारे क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स हैं। अगर आप फैसिलिटी की बात करते हैं, क्या हमने EWS को अलग बिठाया? द स्मार्ट बोर्ड इज देयर इन द क्लास, ऑल द एक्टिविटीज आर बीन डन, सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बच्चे अटेंड करते हैं। ऐसा तो नहीं कि दे आर बीन सेपरेटेड, इट्स नॉट लाइक दैट। Everything is there. Equally over here. उनके लिए टीचर अंडर क्वालिफाइड है? नो, द टीचर्स आर मोर ओवर क्वालिफाइड। सो एवरीथिंग द स्कूल इज डूइंग, व्हाट एल्स दे वांट। एग्जाम देने से पहले आपको इंटीमेट किया जाता है, प्लीज आप बता दीजिए, वो सबमिट करा अपने बीच के लिए, 6 महीने की पेंडिंग है, किसी के 3 महीने की पेंडिंग है, किसी के 4 महीने की, तो अच्छा एग्जाम दे रहा है, पेपर में बैठने दे जा रहा है। हाँ थोड़ी बहुत ये है कि बच्चे को अलर्ट किया जाता है कि बेटा आपकी इतने महीने की पेंडिंग है, पेरेंट्स उसका जो है मतलब इतना एकदम बुरा मानने की, वो नहीं देख रहे कि आपका कितना पेंडिंग है, ठीक है, 50 लाख से ऊपर करोड़ और के बीच में पेंडिंग पड़ रहा है। टीचर यहाँ डेट क्या मैम, आप बताइए क्या डेट है? 24 सैलरी नहीं मिली, किसी के बच्चे वो हमारा मतलब इंटरनल मामला है, लेकिन फीसें कहाँ से आएंगे? फीसें यहाँ से आएंगी, ये लोग अपने इस पे आ जाएंगे तो फायदा क्या है? क्या आज तक ये प्रॉब्लम थी? EWS का क्या ये चीजें स्कूल चल रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम कि आज ही देखनी चाहिए ना, करना शुरू कर दिया। आप बताइए, देखा आपने किस तरीके से, एक तरफ पेरेंट्स है और दूसरी तरफ स्कूल के टीचर्स है जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, और वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स का ये कहना है कि वो इलीगल फीस को नहीं भरेंगे, लेकिन वहीं टीचर्स का ये कहना है कि हम इलीगल तरीके से फीस नहीं ले रहे हैं और इसी वजह से उनकी भी सैलरी रुकी हुई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। कैमरा पर्सन रितेश के साथ मैं अपूर्वा गोस्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।